नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पूरे विश्व की नाक में दम करने वाला चीन अब एक छोटे से शहर से परेशान हो चुका है। यूरोप का एक छोटा सा देश लिथुआनिया चीन के सर का दर्द बन चुका है। लिथुआनिया भी वीगर मुस्लिम सहित कई मुद्दों पर चीन को अब लगातार घेर रहा है, लेकिन चीन कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। लिथुआनिया यूरोपीय संघ के भड़कावे में आकर एक कदम उठा रहा है बस। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, यह हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। यूरोप के एक छोटे देश लिथुआनिया ने चीन की अगुवाई वाले सीईई से अलग होने का फैसला किया है। 28 लाख से भी कम आबादी वाले लिथुआनिया के इस फैसले को सीधे सीधे चीन को चुनौती देना माना जा रहा है। साल 2012 में चीन ने ये सहयोग फोरम बनाया था, इसे 17+1 भी कहा जाता है। लिथुआनिया ने न सिर्फ अपने को इस फोरम से अलग किया बल्कि बाकी सदस्य देशों से भी हटने की अपील की है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री गैब्रिलियस लैंडसवागिस ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि लिथुआनिया अब इस फोरम का सदस्य नहीं है और वो इस पहल में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को विभाजनकारी कहा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को चीन के साथ मिलकर संवाद करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप की शक्ति और उसका प्रभाव उसकी एकता में है। आपको बता दें कि लिथुआनिया पिछले कई महीनों से सीईसी को लेकर संशय में था। बाल्टिक टाइम्स के मुताबिक साल 2019 में लिथुआनिया के स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और सेकंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने नेशनल थ्रेट असेसमेंट 2019 रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि चीन की आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिथुआनिया के अलावा अन्य नेटो और यूरोपीय संघ के देशों में बढ़ रही है और इसके साथ ही चीनी खुफिया और सिक्योरिटी सर्विस की गतिविधि भी तेज हो रही है। दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता चायो लिजियान ने लिथुआनिया पर सवाल का लंबा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चीन का ये सहयोग फोरम छिटपुट घटनाओं से प्रभावित नहीं होगा। लिजियान ने कहा, चीन सीईसी सहयोग चीन और मध्य पूर्वी यूरोप के देशों की संयुक्त पहल पर स्थापित एक अंतर क्षेत्रीय सहयोग की व्यवस्था है। ये दोनों के लिए सहयोग और साझा विकास की हमारी आकांक्षा का प्रतीक है। इसे शुरू होने के 9 साल बाद चीन सीईसी सहयोग से अच्छे नतीजे मिले हैं और हिस्सा लेने वाले देशों के लोगों को भी इससे ठोस लाभ मिला है। लिजियान ने कहा कि चीन हमेशा से ही इस व्यवस्था को चीन यूरोप संबंधों के लिए एक उपयोगी और महत्वपूर्ण पूरक के रूप में देखता है और अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ इसका सहयोग का स्वागत करता है। चीन ने साल 2012 में मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के इरादे से ये फोरम शुरू किया था। लिथुआनिया के हटने के बाद अब इसमें अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविनिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, नॉर्थ मैसिडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया शामिल हैं। साल 2012 में पोलैंड के वारसा में इसका गठन हुआ था। इसके बाद हर साल इसका शिखर सम्मेलन अलग अलग देशों में होता है। कोरोना के कारण साल 2020 में इसका शिखर सम्मेलन नहीं हुआ था। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीन की एक और परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी सीईसी से बढ़ावा देने की कोशिश रही है। ईईसी के तहत सर्बिया का E763 हाईवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसके अलावा बुडापेस्ट बेलग्रेड रेलवे और चीन यूरोप लैंड सी एक्सप्रेस लाइन पर भी इसी के तहत काम शुरू हुआ। इसके अलावा भी कई अन्य सदस्य देशों में कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक साल 2016 में चीन और सीईसी के बीच व्यापार बढ़कर 48.7 अरब डॉलर हो गया था, जबकि सदस्य देशों में चीन का निवेश 8 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया था। वैसे तो विदेश मंत्रालय ने अपनी ओर से लिथुआनिया के मामले पर कोई सख्त टिप्पणी नहीं की है, लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जानकारों के हवाले से जरूर लिखा है कि लिथुआनिया पर अमेरिका का दबाव था। लिथुआनिया के फैसले को चीन और यूरोपीय संघ के बीच तल्ख होते रिश्तों पर भी जोड़कर देखा जा रहा है। यूरोपीय संघ के साथ साथ लिथुआनिया ने भी चीन में विगर मुसलमानों को कथित रूप से प्रताड़ित करने का मुद्दा उठाया था। पिछले सप्ताह गुरुवार को यूरोपीय संसद ने चीन के साथ यूरोपीय संघ के निवेश समझौते की पुष्टि के लिए विधायी प्रक्रिया को फ्रीज करने के लिए भारी मतदान
प्रदान किया। यूरोपीय संसद का कहना है कि जब तक चीन यूरोपीय संघ के सांसदों के खिलाफ प्रतिबंधों को हटा नहीं देता, इस पर रोक जारी रहेगी। यूरोपीय संघ ने वीगर मुसलमानों के मुद्दे को लेकर शिनजियांग प्रांत के अधिकारियों पर पाबंदी लगाई है। उसी की प्रतिक्रिया में चीन ने भी यूरोपीय संघ के सांसदों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन का आरोप है कि रिश्तों में कड़वाहट के लिए यूरोपीय संघ जिम्मेदार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा था कि यूरोपीय संघ को भावनात्मक प्रतिक्रिया पर कम और तर्कसंगत सोच पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ईयू को अपने हित में ही सही निर्णय लेना चाहिए। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में यूरोपीय स्टडीज डिपार्टमेंट के निदेशक कुई होंग जियान ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दे पर लिथुआनिया को सोवियत संघ और आज के रूस को लेकर कुछ डर है। इसलिए जब चीन और रूस रणनीतिक रूप से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लिथुआनिया डर की वजह से चीन से दूरी बना रहा है। लेकिन लिथुआनिया ने फोरम का सदस्य होने के बावजूद चीन को लेकर कई फैसले किए जिस पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हाल ही में लिथुआनिया के संसद ने चीन को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि चीन में विगर मुसलमानों के साथ हो रहा व्यवहार जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, ताइवान को लेकर भी लिथुआनिया के फैसले का कारण चीन के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। लिथुआनिया ने मार्च में घोषणा की थी कि वो ताइवान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए वहाँ व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगा। चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो नहीं चाहेगा कि कोई देश ताइवान के साथ सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित करे। स्पेशल डेस्क, RN News.